आज की जो एक्टिविटी है वो है लेक्चर ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसके बाद 24 तारीख को एक सिंपोजियम है, इसका टॉपिक है द रोल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन सस्टेनेबल फ्यूचर। इसमें आपको पार्टिसिपेट करना है 24 तारीख अगले हफ्ते शायद बुधवार को। फिर 25 तारीख को स्लोगन राइटिंग है और उसका थीम है वासुदेव कुटुंबकम। तो इसकी भी आप प्रेपरेशन कर लो, ठीक है। तो मैं क्लास में भी ये टॉपिक आपको लिखवा दूँगा। तो 24 और 25 तारीख को आपकी एक्टिविटीज हैं आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट का लेक्चर। तो सस्टेनेबल वर्ड का क्या मतलब होता है? मेंटेनेबल, जिस चीज को हम कंटिन्यू कर सकते हैं, ये सस्टेनेबल है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज दैट डेवलपमेंट इन विच द नीड्स ऑफ प्रेजेंट इज फुलफिल्ड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। मतलब हमारी जो आज की जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए अगर हम आने वाली पीढ़ियों की जो जरूरतें हैं उनके साथ कंप्रोमाइज ना करें, उनका भी ध्यान रखें, तो ये डेवलपमेंट होगी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फॉर एग्जांपल कोल और पेट्रोलियम ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, आपको पता होगा। और अगर हम इनका अंधाधुंध इस्तेमाल करें बगैर आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचे तो ये डेवलपमेंट सस्टेनेबल नहीं होगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मकसद होता है? कि हमारा आज का जीवन अच्छा बने और आने वाली जनरेशन का जीवन भी खुशहाल हो। इस खुशहाली के लिए पूरे विश्व के लिए 17 SDGs हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। उसमें जो नंबर 1 है वो है नो पावर्टी। पावर्टी क्या होती है? गरीबी, मतलब गरीबी को खत्म करना, ये पहला गोल है इन 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो इसके अलावा एक गोल है जीरो हंगर, मतलब भूख को ख़त्म करना पूरी दुनिया से। इसी तरह से क्वालिटी एजुकेशन, अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा एक गोल है। फिर जेंडर इक्वलिटी, मतलब महिला पुरुष और थर्ड जेंडर में किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना। फिर अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, सस्ती और साफ सुथरी किया जाए। फिर है कंजम्पशन और प्रोडक्शन, इसको अंधाधुंध ना किया जाए, ऐसे तरीके से किया जाए कि वातावरण को कोई नुकसान ना पहुंचे। फिर पीस और जस्टिस के सिस्टम को मजबूत करना। तो इस तरह के ये टोटल 17 गोल्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और इनकी टाइमलाइन है 2030 तक इनको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का फायदा क्या है? एक तो इससे हमारा आज का जीवन अच्छा होता है और आने वाली जनरेशन का जीवन भी अच्छा और खुशहाल बनता है। नंबर 2, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन, इसमें कमी आती है जिससे पर्यावरण अच्छा होता है। इसके अलावा इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक तरक्की अच्छी रफ्तार से होती है अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें। तो अब हम एज एन इंडिविजुअल सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या योगदान कर सकते हैं अपने स्तर पर? एक अकेला आदमी, तो एक थ्री आर्स,
साइंस में ये आपने पढ़ा होगा, रिड्यूस रीयूज रिसाइकल। अगर इसको हम फॉलो करें, जैसे हम जो रिसोर्सेस इस्तेमाल करते हैं, कपड़ा इस्तेमाल करते हैं, पानी इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं, तो इनका इस्तेमाल रिड्यूस करना मतलब कमी लाना, कम इस्तेमाल करना है। फिर भी मतलब एक बार जैसे पानी अगर हमने सब्जी धोने के लिए इस्तेमाल किया, उस पानी को नीचे में सिंचाई के लिए इस्तेमाल करें, रीयूज हो जाता है, ठीक है, रिसोर्स। तो फिर रिसाइकल, हमारी जो पुरानी चीज़ें होती हैं वो हम देते हैं कबाड़ी वाले को, वो रिसाइकल होती हैं, दोबारा उनको नया रूप मिलता है। तो अगर ये 3 R हम फॉलो करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमारा भी योगदान होगा। फिर स्वच्छ भारत अभियान में हमें योगदान करना चाहिए। हर वर्ष हम शपथ लेते हैं कि हर साल हम 100 घंटे स्वच्छता में श्रमदान करेंगे। इस स्वच्छता पर हम अगर खरा उतरें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमारा भी योगदान होगा, ठीक है। इसके अलावा एजुकेट अदर, जो आपसे छोटे हैं उनको भी रिसोर्सेस के बारे में एजुकेट करें अगर आप, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आपका भी योगदान होगा। फिर कंजर्व वाटर, वाटर को बचाएं, वेस्टेज उसकी ना करें, कहीं लीकिंग टैप्स हैं उनको ठीक कराएं, ठीक है। तो फिर एक है कि प्लांट ट्रीज, जो दरख्त होते हैं ये हमें ऑक्सीजन देते हैं, खाना देते हैं, इसलिए कम से कम एक दरख्त पूरे जीवन में ही कोई लगा दे वो भी ठीक है, नहीं तो हर साल लगाया जाए तो और भी अच्छा है, ठीक है। फिर एक हम ये कर सकते हैं, बाइक मोर ड्राइव लेस। इसका मतलब क्या होता है, बाइक का इस्तेमाल ज़्यादा करें, चाहे बाइसाइकिल है या मोटर वाली है, बजाय कार चलाने के, तो उससे भी पोल्यूशन में कमी होती है, क्योंकि कार जो होती है ज़्यादा जगह लेती है, ज़्यादा फ्यूल इस्तेमाल होता है, ज़्यादा खर्च उसका होता है। तो अगर हम साइकिल चलाएं तो बेस्ट, अगर दूर जाना है साइकिल पर नहीं जा सकते, मोटर बाइक, थोड़ी सी उसमें सिक्योरिटी कम रहती है लेकिन एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है बाइक, ठीक है। तो इसके अलावा वाटर बॉडीज हैं हमारी, जैसे नदियां हैं, झीलें हैं, तालाब हैं, इनमें केमिकल्स ना डालें, तो ये बातें हैं जो हम कर सकते हैं अपने लेवल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में आपको जानकारी पहले भी होगी, पढ़ा है पहले 10th में भी, ये है चैप्टर, तो जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो आप आपने जो भी 3-25 के लिए प्रेपरेशन करनी है उसमें भी यही है, रोल ऑफ 3D।